दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्लस ड्राइव में। मेरा नाम ध्रुव है। तो आज हम ऑटो एक्सपो 2020 आए हुए हैं। काफ़ी सारी कमर्शियल व्हीकल्स हैं, बस है, मिनी बस है, ट्रैक्स क्रूजर है, यहाँ पे ऑफ रोडर व्हीकल्स हैं दो फोर्स की। हम आए हुए हैं फोर्स के पेविलियन, जहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे वैन्स भी हैं। सो आज हम स्पेशली बात करेंगे फोर्स कार्गो किंग के बारे में। ये गुड्स कैरियर आप कह सकते हैं इसको, अपना माल जो आप, स्पेशली मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ दोस्तों। बिजनेस है आपका, आपके जो गुड्स एंड कैरियर आपको लगता है, माल को यहाँ से इजीली ले जाना, दूसरी सिटी में ड्रॉप करना। सो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कार्गो किंग ग्रैंड के बारे में। सो जिसका नाम है कार्गो किंग ग्रैंड, आई टोल्ड यू BS6 है, BS4 बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको BS6 मिलेगी, 90 हॉर्स पावर का इंजन आपको मिलेगा, ट्रांसमिशन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है, जो नंबर्स ऑफ गियर्स 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स आपको मिल जाता है। अब इसमें सेम इंजन आता है जो इंजन क्रूजर ट्रैक्स में आता है, सेम इंजन यहाँ पे आता है, उतना ही पावरफुल इंजन। यहाँ पे बात करें टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन की, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं जो टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, एज सच इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट इवन यहाँ पे भी नहीं है, सो आई विल अपडेट दैट। यहाँ पे टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन मैं आपको दूसरी साइड से देख के बता देता हूँ, कोई इशू नहीं। आगे पूरा पार्ट ब्लैक्ड आउट है, अच्छा लग रहा है। फोर्स का लोगो यहाँ भी क्रोम इंसर्ट में, प्रीमियम लग रही है गाड़ी। हेक्सागन डिज़ाइन में ग्रिल है यहाँ पे अंदर की तरफ, और यहाँ पे ब्लैक इंसर्ट प्लेटिंग है, अच्छी लग रही है। कन्वेंशनल हेडलैम्प, टर्न इंडिकेटर्स ऊपर हैं, फॉग लैम्प नीचे है, टोइंग हुक उसके नीचे है, अच्छी लग रही है गाड़ी। सेम ऑन दी अदर साइड ब्लैक्ड आउट है और वाइट के साथ, तो खूबसूरत लग रही है गाड़ी। व्हील क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी रगेड एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया गया है इसका चैसी, काफ़ी अच्छा। इसका जो पेलोड, इतना 1.5 टन्स का पेलोड आता है पीछे इस पिकअप ट्रक में, जस्ट सोचिए दोस्तों कितना ज़्यादा है, और काफ़ी कंफर्टेबल होगा, आराम से सामान बैठे। तो 1.5 टन के लिए तो चैसी स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो वो है इस चीज़ इसके अंदर। टायर साइज एंड स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे भी, आई डोंट नो, बट यहाँ पे लिखा है 70R16। यस, आई एम सॉरी गाइज, 16 इंच के टायर आपको इसमें मिलेंगे, स्टेनलेस स्टील व्हील के साथ। व्हील कैप आपको यहाँ पे मिलेगी, अपोलो के टायर्स हैं, ब्रांडेड हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है हमें फोर्स। यहाँ पे फ्यूल लिड है, आप फ्यूल भर सकते हैं। 1.5 टन की आपको कैपेसिटी, देखिए आप कितना सारा आपका जो स्टोरेज है वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। सो ग्रैंडे की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, ग्रैंड की बैजिंग, आई एम सॉरी। पीछे मड फ्लैप्स मिलेंगे। रेयर की बात करें, फोर्स की बैजिंग ऊपर देखने को मिलेगी। टेल लैम्प्स LED मिलेंगे। यस गाइस, विजिबिलिटी सुपर होगी, LED टेल लैम्प्स मिलेंगे। स्पेयर व्हील नीचे है इसका, वहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेयर व्हील वहाँ है इसका। एंड ये चीज़ पूरी फ्लैट हो जाती है, आप चारों तरफ से इसको खोल सकते हैं। सो काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे कुछ एयर इंटेक्स हैं, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स FM 2.6 CR आप देख सकते हैं। बैजिंग यहाँ पे कार्गो किंग की बैजिंग ग्राफिक्स के साथ अच्छी लग रही है। फुट पैक नीचे मिलेगा आपको। और अब मैं अगर इसके इंटीरियर के बारे में बात करूँ, क्या इसका इंटीरियर है, तो मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, अलाउड नहीं है यहाँ पे कोई गाड़ी को खोल के दिखाना, बट एज आई एम अ यूट्यूबर, सो आई जस्ट शो यू एवरीथिंग। सो प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी यहाँ पे यूज़ की गई है, ग्रैब हैंडल बार, कंट्रोल्स मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पे आपको AC नहीं मिलता, तो इसमें AC नहीं मिलेगा आपको। हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा, टैकोमीटर स्पीडोमीटर ऑन द राइट, पावर स्टेयरिंग व्हील है, अच्छा है, क्वालिटी और बेटर हो सकती थी, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको मिल जाती हैं लेदर सीट्स, अच्छी लग रही हैं, फैब्रिक नहीं लेदर मिला है, प्रीमियम लग रही हैं। यहाँ पे आपको मिल जाती है सीट एडजस्टेबल, थोड़ा बहुत रिक्लाइन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ग्लास मिल जाता है बेटर व्यू के लिए पीछे की तरफ, कैबिन लाइट्स, सन वाइजर्स आप देख सकते हैं दोनों तरफ। स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है, अपना फ़ोन ड्राइवर रख सकता है,
सामने पैसेंजर रख सकता है या तो कुछ भी आप ऊपर सामान रख सकते हैं। सच ग्रैब हैंडल बार वहाँ पे मिला है, यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, हैजर्ड बटन बीच में है, फॉग लाइट का बटन बीच में है, यहाँ पे कुछ और एक बटन है नीचे, आपको 12 वी चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड किया है, थोड़ा स्टोरेज यहाँ मिलता है, इधर 12 वी चार्जिंग सॉकेट ये रहा, ऊपर थोड़ा वहाँ है, मतलब आप इंफोटेनमेंट लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट, फोर्स की बैजिंग प्लस आपको वहाँ पे ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है, अच्छा लग रहा है। बात करें इधर तो 1 लीटर बॉटल स्टोरेज, गेयर नॉब, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, तो और कुछ है नहीं, मुझे बस क्वालिटी अच्छी लगी, मुझे और इम्प्रूव हो सकती थी, बेस्ट पार्ट सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और दोस्तों मैनुअली एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, तो ये एक और एक यूएसपी है इस चीज़ की। मार्केट में बहुत सारे पिकअप ट्रक्स, ऐसे बहुत कम पिकअप ट्रक्स है जो आपको ऐसी क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, फोर्स उनमें से एक है जो प्रोवाइड कर रहा है। सो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ट्रक, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ भी सवाल है हमसे पूछिए, वैसे आगे इसमें डिस्क आता है, पीछे ड्रम ब्रेक आता है, सवाल है तो पूछिए, हम और ऐसी वीडियोस लाएंगे। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए था जो अपना बिजनेस खोल रहे हैं और उनको चाहिए गुड्स एंड कैरियर के लिए एक पिकअप ट्रक, काफ़ी स्ट्रांग है, 1.5 टन का आपको कैरेज सपोर्ट मिलेगा पीछे, बताइए मुझे, कोई सवाल है तो पूछिए, हम क्लियर करेंगे उसका, कोई भी जवाब हमें देना होगा हम देंगे। सो मिलते हैं दोस्तों अगली बार, ट्रक्स क्रूजर का रिव्यू कर चुके हैं प्लस कमर्शियल बसेस का भी कर चुके हैं, स्कूल बस का कर चुके हैं, देखिए जाके हमारे चैनल पे, ज़रूर मिलते हैं अगली बार, बाय गाइस, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर वीडियो, बाय गाइस।